मिनोला सबके लिए मछली की मजेदार दुनिया में खुश आमदीद। आखिर कौन मजेदार मछली के पकवान का दीवान है नहीं है, चाहे वह जमा की शाम को करारे फ्राइड फशावर चिप्स हों या फिर नफास्त से बैक क्या हुआ सालम ऑन फिलीट, मछली सबके चेहरे पर मस्कराहट बखेर देती है। क्या आपको अपनी मछली घर कैसी याद है जो आप बचपन में क्या करते थे, वह दल कशरंग, वह शरारती डॉल्फिन, पानी के अंदर मौजूद जिंदगी क्यों हैरतअंगेज अक्साम। मछली खाना ऐसा है जैसे आप अपनी प्लेट में इसी जादू का थोड़ा साहस है ले आए हों। ये आपकी जायका की हंस के लिए एक एडवेंचर है, समंदर की ता हमें एक सफर है। मछली सिर्फ हम जीदार हैं नहीं, वो टेबल के ये अपने पख्तगी के लिए एक खाली केन उसकी मानंद है। मसालेदार कौरमे से ले चटपटे सीवीचे तक इसके बनाने के तरीके बेशुमार हैं। आप इसे गल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, अबाले पसंद आपकी है और सबसे अहम चीज को तो भूले हैं है। अपने प्यारों के साथ हम जीदार मछली के शिकाल तफा ठाना हिंसी, एक दूसरे के साथ कसे कहानियां शेयर करना, किसी खास चीज की प्लेट पर एक दूसरे से जड़ने की खुशी। मछली सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह एक तजर्बा है, यह ऐसी यादें बनाने के बारे में है जो जिंदगी भर साथर है। तो फिर अपना पना ठाएं, अपने प्यारों को जमा करें और आइए मछली के शानदार दुनिया में गोता लगाएं। ब्रेक टाइम 0.5। आप बता करते हैं कि मछली ना सिर्फ रूह के लिए बल्कि जिस्म के लिए भी क्यों फायदेमंद है। मछली गजाइत का खजाना है, प्रोटीन विटामिनज़ और मादनियात से भरपूर है जो आपको तंदरुस्त रखते हैं। इसे एक्सपर हैरो समझें जो छपा हुआ है, बीमारियों से लड़ता है और आपकी वनाइकेस्था को बुलंदर खता है। मछली खाने का एक बेहतरीन फायदा इसमें मौजूद प्रोटीन की मकदार है। प्रोटीन बाफ्तों की तमीर और मरम्मत के लिए जरूरी है और ये खाने के बाद आपको पेट भरा हुआ और मुतमईन महसूस करवाता है। मछली कम चकनाई वाले प्रोटीन का एक बेहतरीन जरिया है, जिसका मतलब है कहस में गैर सेहत बख्श चकनाई और कैलोरीज कम होती हैं। लेकिन रखिए अभ्यावर भय भातक कुछ है, मछली ओमेगा फैटी एसिड का भी बेहतरीन जरिया है। ये जरूरी चिकनाई दिमाग की सेहत, दिल की सेहत और सोजिश को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा थी स्त्री चिकनाई के दुनिया के सुपर हीरो की मानंद हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल से लड़ते हैं और आपके दिल को एक चकचकी नहीं हुई मशीन की तरह चलता रहते हैं। लिहाजा मछली ना सिर्फ हैरतअंगेज जायकार खती है बल्कि यह आपको सेहतमंद और तवाना रहने में भी मदद देती है। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें नुकसान नहीं। तुम ही थी ना, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बाज हिस्सों में लोग ज्यादा देर तक सेहतमंद जिंदगी क्यों गुजारते हैं? हो सकता है कहानी की खुराक में इसका जवाब हो। मिसाल के तौर पर जापान के ओकिनावा के लोगों को हैले लीजिए, वहां पर ये लंबी उम्र और दायमी बीमारियों की कम शरह के लिए मशहूर हैं। और अंदाज हलगाएं कहानी की खुराक का अहम ऐसा क्या है? आपने बिल्कुल सही है कहा, मछली। ओकिनावा के लोग टूना से लेकर समंदर इस वार्तिकम हकम खुतल फुक्समकी मछलियां खाते हैं। मछली से भरपूरी हा खुराक आन है ओमेगा थाई का की वाफर मकदार फराम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कहीं हृदय की बीमारी फालजावर दीगर सेहत के मसाइल के खतरे को कम करने से मिनसल के उनकी खुराक का सहकीकत का सबूत है कि हम जो कुछ खाते हैं इसका बराह रास्त असर हमारी सेहतावर उम्र पर पड़ता है। यह दिखना बहुत मुतासिर कुन है कि खाना कैसे खुशियां और लंबी उम्र दोनों का जरिया बन सकता है। तो फिर आइए इनसे कुछ सीखें और मछली को अपने खाने का बाकायदा हिस्सा बनाएं। हिस्सा चार ओमेगा 3 का मजेदार सफर। अब मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं ओमेगा 3 के बारे में, ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं उन्हें अपनी खुराक में शामिल कैसे करूं? तो मेरे दोस्तों ये आपके ख्याल से कहीं ज्यादा आसान है। मछली से लत्फानदूज होने और इसके हैरतअंगेज सेहत के फवायद हासिल करने के बेशुमार मजेदार तरीके हैं। मेरे पसंदीदा फोरिया आसान बनने वाले पकवानों में से एक तलिया वही सालमन भनी वही सब्जियों के साथ है। बस अपने सालमन फिलीट को नमक काली मिर्च और लीमो के रस के साथ सीजन करें। एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें, फिर सालमन को हर तरफ से चंद मिनट तक पकाएं, तब तक कहीं हपक न कन्हा जाए। जब सालमन पकर हा अपने पसंदीदा सब्जियां जैसे ब्रोकोली, गाजर और जोचीनी जैतून के तेल नमक और काली मिर्च के साथ मिला लें।
सब्जियों को पहले से गर्म ओवन में नरम होने तक भूनें। सालमन को भनी हुई सब्जियों और ताजा जड़ जड़ी बूटियों के साथ पेश करें। ये एक सेहत बख्श, मजेदार और पेट भरने वाला खाना है जो 30 मिनट से भी कम वक्त में तैयार हो जाता है। हसा पांच जायके में पकड़ो हक लाइन और संकर। तो ये है वो मछली की शानदार दुनिया जहां लज़त अच्छी सेहत से मिलती है। अपनी खुराक में मछली को शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जायकों के साथ तजर्बा करने, नई तरकीबें आजमाएं और यही जानने के बारे में है कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। चाहे आप अपनी मछली घर लेकर ना पसंद करते हैं, बेक करना पसंद करते हैं या फ्राई करना पसंद करते हैं, यहाँ खाने पीने क्या एक दुनिया आपके मुंतजर है। तो फिर खाना पकाने की खुशी को अपनाएं, अपने प्यारों को जमा करें और मछली कैल्ज़त को अपने आप को सहरंगेज होने दें। याद रखें, खुश पेट खुश जिंदगी के बराबर है। आप आगे बढ़ें और इन कुचनों को फतह करें। सबको खाना पकाने का मजा आए।